सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जानकर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत और आप सभी को यीशु मसीह का प्यार। आइए हम प्रार्थना करें जैसे ही हम उसका वचन सुनने वाले हैं। उसका वचन हमारे जीवन में हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन में एक बदलाव लेके आए जिसने सब कुछ हमारे लिए किया है। हम उसको धन्यवाद दें इस प्रार्थना के जरिए जो हमारे जीवन का राजा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस वचन संगीत कार्यक्रम के लिए जिसके द्वारा हर हफ्ते आप हमें यीशु का वचन, यीशु के बारे में आप बताते हैं और हमारे जीवन की, हमारे शरीर की भूख मिटाते हैं। आज जैसे ही हम उसका वचन पढ़े, उस वचनों द्वारा हमारे शरीर की और हमारी आत्मा की भूख मिटाइए, ये प्रार्थना हम आपके पुत्र और हमारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से और माता मरियम की मध्यस्थी से, सभी संतगण उनकी मध्यस्थी से और सभी देवदूत की मध्यस्थी से करते हैं, आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमने लिया है मत्तयी का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से 20। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्य ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों सिवा यह हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बिठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना कही और रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को दी। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन हमें बताता है कि जब योहान, इस वचन के पहले हम देखते कि योहान की हत्या हो गई थी और लोग उसके बाद यीशु के पीछे होने लगे थे। वचन 14 हमें बताता है कि एक विशाल जन समुदाय यीशु ने देखा और यीशु को उनके ऊपर तरस आया। वचन 14 हमें बताता है कि नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जन समुदाय देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया। और तुरंत वचन हमें बताता है कि यीशु ने उनको उनके रोगों से अच्छा किया, चंगा किया। पर यीशु जानते थे कि ये लोग भूखे हैं। सुबह से शाम तक वो यीशु के साथ उसके वचनों को, उसके प्रवचन को सुन रहे थे। इसलिए वचन 15 कहता है कि संध्या होने पर यीशु जानते थे कि उसके ये सब लोग, उनको रोगों से चंगाई तो मिल गई पर ये लोग शरीर से और आत्मा से भूखे हैं। शिष्य उनसे कहते हैं कि इनको विदा कीजिए, इनको जाने दीजिए अपने घर पे, ये अपने लिए खाने का बंदोबस्त करेंगे। पर यीशु उनको कहते हैं कि तुम ही उन्हें खाना दो। और इतना कहकर जो वहां पे था, 2 रोटियां और 5 मछलियां यीशु ने उन्हें ले लिया और स्वर्ग की तरफ आंखें उठाकर उसने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया और आशीष की प्रार्थना कही
और उन्होंने उन रोटियों को तोड़कर पहले शिष्यों को दिया और बाद में शिष्यों ने उन लोगों को दिया। यीशु ने उनके रोगों से उनको चंगा कर दिया, उनकी भूख को भी उन्होंने मिटा दिया। हम देखते हैं मत्ते के सुसमाचार में अध्याय 26 वचन 20 और 26 से लेके 28 तक, ऐसे ही एक संध्या के समय यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे थे। मत्ते का सुसमाचार अध्याय 26:20 वचन कहता है, संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। फिर वही अध्याय हमें वचन संख्या 26 बताता है, उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्य को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। हम देखते कि एक ऐसी संध्या थी जहां पे लोग भूखे थे और शिष्य उनसे कह रहे थे कि इनको विदा कीजिए, पर यीशु ने उनसे कहा कि तुम लोग ही उनको खाना दो। और जब यीशु ने उन रोटियों को तोड़ा तो उन्होंने पहले शिष्यों को दिया और शिष्यों ने फिर लोगों को दिया। इस संध्या के समय भी हम देखते हैं यीशु ने वो धन्यवाद की प्रार्थना रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और वह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उन्होंने प्याला लिया, लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने पहले उनके शिष्यों को दिया और आज हम हमारे कलीसिया में देखते वही शिष्य के द्वारा जो अधिकार यीशु ने उन शिष्यों को दिया था, उन शिष्यों ने वही अधिकार हमारे पुरोहितों को दिया है। वही हमारे पुरोहित वो रोटी जो यीशु अपने शरीर के द्वारा हमें देना चाहते हैं, वही पुरोहित उस रोटी को उठाते, उस पिता परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना कहते हैं और वो हमें देते हैं। वही प्याला, वही कटोरा वो ऊपर उठा के, जिसमें यीशु का रक्त जो हमें पाप क्षमा से, हमें हमारे पापों से मुक्त करेगा, उसको हमें देते हैं। पर यहां पे यीशु जानते थे कि जब उनके जाने के बाद उनके शिष्य तितर बितर हो जाएंगे। हम आगे पढ़ते हैं वचन 30 के बाद, मत्ते का सुसमाचार 26 अध्याय वचन संख्या 30 के बाद, कि शिष्यों की भावी निर्बलता के बारे में यीशु बताते हैं, क्योंकि ऐसे लिखा था शास्त्र में कि मैं चरवाहा को मारूंगा और झुंड की भेड़े तितर बितर हो जाएगी। यीशु जानते थे कि मेरे जाने के बाद ये मेरे शिष्य तितर बितर हो जाएंगे, इनका विश्वास डगमगाएगा, इन्हें नहीं समझ में आना है कि उसके कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है। और इसीलिए जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, उन्होंने शिष्यों से अपना एक मददगार पवित्र आत्मा के रूप में भेजा। हम देखते हैं कि किस तरह यीशु ने उनको उनके रोगों से चंगा किया, उनकी शारीरिक भूख मिटाई। पर यहां पे उस संध्या के समय उन्होंने शिष्यों को अपने शरीर को देते हुए उन्होंने एक आत्मा की भूख मिटाने के बारे में शिष्यों को आज्ञा दे दी और उन्होंने कहा कि ये तुम मेरे याद में किया करो। और उसके कहने का मतलब था कि तुम मेरे लोगों को इस रोटी और इस खून के रक्त के द्वारा तुम उनके आत्मा का पोषण करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वही यीशु ने जो किया वही आज हमारे कलीसिया में उस पवित्र मीसा बलि में हमारे पुरोहित उसके शरीर को, यीशु के शरीर को और उस यीशु के रक्त को उठाकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो हमें वो जीवन की रोटी, वो जीवन का प्याला वो हमें देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते कि यीशु आया था इस हमें बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए,
हम ये भी विश्वास करते कि वो आने वाला है, फिर से इस जगत का न्याय करने वो आएगा। वो न्याय करेगा, प्रेम से न्याय करेगा, हम विश्वास करते। पर बहुत बार हम भूल जाते हैं कि वो हर दिन हमारे पापों के लिए हमें फिर से उस उनके खुद के शरीर से हमारी आंतरिक आत्मा की भूख को मिटाने के लिए हर दिन उस पवित्र मीसा बलि में आते हैं। क्या हम उनके बलिदान को जानते हैं? बहुत बार हम देखते हैं हमारे भाई बहन यहाँ वहाँ भागते हैं, बहुत सारे क्रिस्ती भाई बहन बाबाओं की तरफ जाते हैं, दूसरे लोगों की तरफ जाते हैं। हमारा विश्वास डगमगाता है जब हमारे जीवन की परेशानियों को देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि वही यीशु जिसने वो अधिकार उनके शिष्यों को दिया था और उन शिष्यों ने वो अधिकार पुरोहितों को दिया, वही पुरोहित हर दिन उस पवित्र मीसा बलि में उसी शरीर को, उसी रोटी को अर्पण करते हैं, उसी रक्त के, उस खून के कटोरे को अर्पण करते हैं हमारे पापों के लिए। क्या हम उसको समझ पाते हैं? आज इस वचन के द्वारा यीशु हम सब से फिर से लौट आने के लिए कह रहा है, फिर से उस मीसा बलि में हिस्सा लेने के लिए कह रहा है। उसी संध्या समय वो हमें उसके शरीर से हमारी भूख को मिटाना चाहता है। क्या हम समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए, हम आज से इस वचन के द्वारा हम निश्चय करते और विश्वास करते हैं कि हम उस पवित्र मिसा में उस शरीर को, उसके यीशु के शरीर और उसके रक्त के प्यालों को खाने के लिए उस मिसा बलि में हिस्सा लेंगे। आइए इस, और जैसे यीशु ने उसके पवित्र, उनके शिष्यों को उस पवित्र आत्मा से भरा, हमें भी वो यीशु उसके पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, उसके सामर्थ्य से, उसके बल से, उसके चंगाई से, सभी पवित्र आत्मा के फलों से वो हमें भरना चाहता है। आइए इस गीत के जरिए हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु, सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आपने किया है, ये जिंदगी आपने आपके शरीर और आपके रक्त के द्वारा हमें नई दी है। हम आपको क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकते हैं। आपने उस रोटी को लेकर, उस खून रक्त के प्याले को, कटोरे को लेकर आपने धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर को। हम भी उसी रोटी को, आपके शरीर को और आपके रक्त को धन्यवाद देकर, उसको ऊंचा उठाकर हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस पिता को धन्यवाद देते हैं जिसने हमसे इतना प्रेम किया। उस यीशु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें हमारा नाम लेकर चुना। और उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं जो हमें हर बार मार्ग दिखाता है, हमें हमारी रक्षा करता है। आइए इस गीत के द्वारा जो जीवन यीशु ने हमें दिया है, जो कुछ है वो उसका है, उसी को हम धन्यवाद दे दें। आइए इस गीत को सुने और उस महान परमेश्वर की आराधना और महिमा गाए। पिता की आत्मा मुझ में उतर आओ, पावन पिता की आत्मा मुझ में उतर आओ, पावन पिता की आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे भक्ति दो, मुक्ति दो, अपना मुझे बनाओ, मुझे भक्ति दो, मुक्ति दो, अपना मुझे बनाओ, पावन पिता की आत्मा मुझ में उतर आओ, पावन पिता की आत्मा मुझ में उतर आओ, यीशु मसीह 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 की आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे शिफा दो, शिफा दो, नया मुझे
मुझे बनाओ, मुझे कृपा दो, शिफा दो, दया मुझे बनाओ। यीशु मसीह की आत्मा मुझ में उतर आ, यीशु मसीह की आत्मा मुझ में उतर आ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे शांति दो, ज्योति दो, तुझ सा मुझे बनाओ, ज्योति दो, तुझ सा मुझे बनाओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, पावन पिता की आत्मा मुझ में उतर आओ, यीशु मसीह की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि किस तरह यीशु ने हमें उसके शरीर से और उसके रक्त से हमें हमारे जीवन की, हमारे आंतरिक आत्मा की भूख मिटा दी। योहान का सुसमाचार 3:16 कहता है कि ईश्वर ने इस जगत से, हम लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के कारण अर्पित कर दिया, जिससे हमें जीवन मिले और वो जीवन बहुतायक का हो। हम देखते हैं जब उस यीशु का जन्म का, उसके जन्म का सुसमाचार लेकर गैब्रियल दूत उस माता मरियम से, उस कुआरी मरियम से जब मिलने आए, उस गैब्रियल दूत ने उस माता मरियम को प्रणाम करते हुए, झुक के प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम मरिया, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। अध्याय संत लूकस का सुसमाचार 1:30। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। उस नाम को ईसा रखने के पीछे ईश्वर की योजना थी। वो ईश्वर की योजना हमें 32 में बताती है कि वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, प्रभु ईश्वर उन्हें उनका पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। वो यीशु जिस नाम में एक प्रार्थना है, जो नाम हमें बचाता है, जो पुत्र हमें बचाने के लिए आया, उसको पिता परमेश्वर ने यीशु नाम दिया। खुद पिता परमेश्वर ने उसको यीशु नाम दिया, जिसका मतलब है कि वो हमें बचाता है। उस नाम में सब कुछ है, उस नाम में जिंदगी है, उस नाम में बंदगी है, उस नाम में रिहाई है, उस नाम में पापों से क्षमा है, उस नाम में शिफा है, उस नाम में कृपा है। जब हम यीशु का नाम लेते हैं, हम एक तरीके से एक प्रार्थना कहते हैं कि पिता हमें बचाइए, उन पापों से बचाइए, उस अंधकार की शक्तियों से बचाइए, आपके राज्य का जो भी नहीं है उस सारी चीजों से हमें बचाइए, हमें आपका राज्य जो शांति का, प्रेम का और उल्लास का, आनंद का है, उसे हमें दे दीजिए। आइए इस नाम को हमारे हर दिन में पूरे दिन में हम इस नाम को पुकारें जो हमें सांसें देता है, क्योंकि जब ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसने अपने श्वास को, अपने सांस को उसके नकपुड़ियों में डाला। यीशु ने भी वही किया, उसने अपनी सांस को, अपनी आत्मा को उन शिष्यों के ऊपर फूंक कर उन्होंने उनको वो पवित्र आत्मा दी। उस नाम में सब कुछ है,
हम उस नाम को हमारे सांसों में बसाते हैं, हमारे होठों पे लेके आते हैं, जो हमें रिहाई देता है, हमें एक नया जीवन देता है, जो हमारे पूरे तकलीफों को मिटाता है। हम उस तकलीफों को नीचे गिराते हुए उस यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। वही जीवन की ज्योति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाती है। वही जीवन की रोटी है जो हमारी आत्मा की भूख को मिटाती है। वही हमारा सहारा है, वही हमारे जीवन का किनारा है। और हम सब लोग एक दिन उस स्वर्ग में उस महान परमेश्वर के सामने उस नाम को ऊंचा उठाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, जैसे स्वर्गदूत उस स्वर्ग में हर पल हर वक्त हर दम उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए इस गीत के जरिए हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं, जो हमें नई जिंदगी देता है, हमें नई सांसें देता है, हमारे परेशानियों से हमें मुक्ति देता है। आइए इस गीत के जरिए और इस प्रार्थना के जरिए हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं और हमारी परेशानियों को नीचा गिराएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए जो आपने उस रोटी के रूप में हमें दी, उसका आपने खून बहाया जिससे हमारे पापों को हमें हमारे पापों से क्षमा मिल जाए। आपने हमसे इतना प्रेम किया, आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु के नाम के द्वारा हमें दे दिया, जिसके नाम में चंगाई, जिसके नाम में रिहाई, जिसके नाम में शिफा है। उस नाम को हम ऊंचा उठाते और हमें उस ज्योति की तरफ लेके जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी परेशानियों को हम नीचा गिराते हैं और यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, जो नाम सब नामों में अच्छा है। उसके नाम को हम हर पल लेते हैं, हम हमारी सांसों में बसाते हैं और आपकी आशीष और आपकी चंगाई को हमारे जीवन में आने की प्रार्थना करते हैं। उस माता मरियम से हम प्रार्थना करते हैं, उससे मध्यस्थ की प्रार्थना विनंती करते हैं, सारे संत दूतों के साथ, देवदूतों के साथ हम सब कहते हैं, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन। यीशु की शांति, यीशु का प्रेम और यीशु का आनंद आप सभी लोगों के साथ सदैव बना रहे। जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, मेरा खुदा, मेरा खुदा, यहोवा आ रहा है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। वचन हुआ जिससे उजाला, हम थे अंधेरों में खोए, हमें उसने संभाला। आदि में जो था वचन हुआ जिससे उजाला, हम थे अंधेरों
में कोई हमें उसने संभाला, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, रूह को बचाने वाला। Yeah.